हेलो किड्स, वेलकम टू T2 लर्निंग चैनल। मैं हूं अंशु और आज हम सीखेंगे डॉजिंग टेबल। अब तक आप सीख चुके होंगे 2, 3, 4, 5 की टेबल्स को। आपने या तो उन्हें याद कर लिया होगा या फिर आपने उनको बनाने का तरीका सीख लिया होगा। मगर परेशानी तब आ जाती है जब हमसे कोई भी रेंडमली पूछ लेता है कि बताइए 2 3s आर हाउ मच। तो आपको या तो पूरी टेबल बोलनी पड़ेगी या सॉल्व करनी पड़ेगी, यानी कि लिखनी पड़ेगी। तो वो हो जाता है लंबा प्रोसेस। मुझे डायरेक्टली जवाब देना हो कि 2 3s आर हाउ मच, तो हम ये तरीका सॉल्व करेंगे और इस तरीके से आप कैसी भी डॉजिंग टेबल पजल को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 3s आर, इसका मीनिंग क्या है। 2 3s आर यानी कि 2 को 3 टाइम्स लिखना है। 2 3 टाइम्स, तो 2 को 3 टाइम्स लिखना है। दैट मीन्स यानी कि 2 को 3 बार लिखना है। दैट मीन्स 3 बार यानी कि 3 सर्कल्स हम बनाएंगे। तो ये जो पोजीशन पे जो भी नंबर होगा, जो भी नंबर लिखा है, हमें उतने सर्कल ड्रॉ करने हैं। और जब सर्कल ड्रॉ हो जाएंगे तो उसके अंदर कितनी लाइंस खींचनी है हर एक सर्कल में, जो नंबर यहाँ पे लिखा है, जिसको रिपीट करना है। जैसे कि यहाँ पे 2 को 3 टाइम्स रिपीट करना है, 2 3 टाइम्स। तो 2 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, तो 1 2 1 2 1 2, 2 लाइंस को हमने लिख दिया 3 टाइम्स। तो अब हम इसको टोटल करें, सारी लाइंस को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। दैट मीन्स 2 3s आर 6, वेरी नाइस। तो एक बार और मैं सॉल्व कराती हूँ आपको, और हमारी नई डॉजिंग टेबल पजल है 4 5s आर। 4 को 5 टाइम लिखेंगे तो क्या आएगा, 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 को 5 टाइम गुना कर देंगे, 5 बार लिख देंगे तो क्या आएगा। तो सॉल्व करें, ग्रेट, 4 को हमें लिखना है 5 टाइम्स, तो कितने सर्कल बनेंगे, 5 सर्कल्स। और किसको लिखना है हमें 5 टाइम्स, 4 को। तो 4 लाइंस बनाएंगे हम हर एक सर्कल में। तो अब हम काउंट करें सभी लाइंस को, ग्रेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यस, 4 5 टाइम्स जब हो जाएगा तो कितना हुआ, 20। सो 4 5s आर 20। तो क्लियर हुआ आपको थोड़ा कुछ, यस। एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, मजा आ रहा है ना, ग्रेट। तो अब आप मुझे बताते जाइएगा मुझे क्या करना है। तो हमारी पजल है 6 7s आर, तो 6 को करना है 7 टाइम्स, 6 को रिपीट करना है 7 टाइम्स, 6 को गुना करना है 7 बार, 6 को 7 दफा गुना करना है। तो 6 × 7 इक्वल्स टू व्हाट, तो 6 को हमें लिखना है 7 बार, 6 को हमें लिखना है 7 टाइम्स। तो कितने बार रिपीट करना है 6 को, 7 टाइम। तो कितने सर्कल बनेंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सर्कल बने। और हर एक सर्कल में कितनी लाइंस आएंगी, बताइए फटाफट, यस,
सिक्स लाइंस आएगी, तो हर एक में हम लिख देंगे सिक्स लाइंस, और जब हम इनको काउंट करेंगे, टोटल लाइंस को काउंट करेंगे, तो कितनी लाइंस आएगी, काउंट कीजिए, ये आपका टास्क है, कम ऑन। यस यू आर डूइंग इट राइट, किया आपने सही, वेरी नाइस, इट्स 42, कितनी लाइंस है ये, 42, बिल्कुल करेक्ट। तो आप सीख गए हैं कि डॉजिंग टेबल को सॉल्व कैसे करना है, तो आपको अब टेबल्स को रटने की ज़रूरत नहीं है, उनको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक और तरीका है इनको सॉल्व करने का, जो कि हमने आज आपको बताया है। तो मैं और आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दे रही हूँ, कुछ पजल्स यहाँ पे दे रही हूँ, आपको उनको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में उनके आंसर देने हैं। और आपको ये वीडियो, ये तरीका डॉजिंग टेबल का पसंद आया हो तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको, और हमारे चैनल को, T2 लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।